हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ एमए प्राइवेट फाइनल ईयर का इंग्लिश लिटरेचर पेपर फिफ्थ का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हिट एंड डस्ट। इसे लिखा है प्रावर झाब वाला। तो आप लोगों को आज मैं इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, स्केच द करेक्टर ऑफ द नवाब, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और जो 3 क्वेश्चन है उन तीनों का आंसर एक ही है जो इस प्रकार से आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, इसका जो स्टार्टिंग है आंसर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है और इंट्रोडक्शन का पूरा एक्सप्लेन देखिए इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से है, देखिए ये इंट्रोडक्शन कर रहा। फिर अगला पॉइंट है हिज वाइफ हैड डिजर्टेड हिम, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से, देखिए इस पॉइंट का। फिर अगला पॉइंट है नवाब्स लव फॉर ओलिविया, ठीक है ना। इसका जो एक्सप्लेन है इस प्रकार से है, देखिए ये आंसर है इस प्रकार से इसका एक्सप्लेन। फिर आगे अगला पॉइंट में दिया है व्यू दिया है नवाब एंड हिज एंसेस्टर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। फिर अगला पॉइंट हिज स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के बारे में दिया हुआ है, जिसका आंसर इस प्रकार से, देखिए जिसका एक्सप्लेन है ये। और इस क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का देखिए इस प्रकार से एक्सप्लेन है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्केच द करेक्टर ऑफ ओलिविया इन योर ओन वर्ड्स के बारे में। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इन दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है ना, जिसका स्टार्टिंग हुआ है इंट्रोडक्शन से, देखिए जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। फिर देखिए अगला पॉइंट आ गया, अगला पॉइंट है हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड के बारे में दिया हुआ है, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। फिर अगला पॉइंट है ओलिविया इंटरेस्ट इन द नवाब के बारे में दिया हुआ है, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है, ये देखिए। फिर अगला पॉइंट है वो डिस्प्यूट ऑफ द नवाब विद हिज वाइफ के बारे में दिया हुआ है, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है, देखिए इस प्रकार से। फिर अगला जो पॉइंट दिया है वह हैरिस एडवाइस के बारे में दिया हुआ है, जिसका आंसर इस प्रकार से है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है ओलिविया अबॉर्डेड द चाइल्ड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो है द चाइल्ड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। फिर अगला है कंक्लूजन, इसका अंतिम पॉइंट है ये, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स द इंडियन सोशल अंडर द ब्रिटिश रूल के बारे में। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है ना, जिसका स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन से, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है, देखिए ये। फिर अगला पॉइंट है द पुअर्टी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है, देखिए ये। फिर अगला पॉइंट है पिक पॉकेट्स एंड चीट इन द इंडियन सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका आंसर इस प्रकार से है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है द मैरिज एंड नेग्लेक्टेड वुमेन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। फिर अगला जो पॉइंट है वो देयर फैथ इन साधुस एंड फॉल्स नोशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। फिर अगला पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ द पुअर के बारे में दिया हुआ है,
जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से देखिए। फिर अगला जो पॉइंट है वो पैथेटिक कंडीशन ऑफ विडोज के बारे में दिया हुआ है, जिसका आंसर इस प्रकार से है, जिसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। फिर इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, ठीक है ना, और इसका एक्सप्लेन इस प्रकार से है। तो गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इससे तैयारी कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।